कि दर्दनाशक लाल तेल आप घर पर कैसे बना सकते हैं। आमतौर पर हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी न किसी कारण शरीर या सर में दर्द होना स्वाभाविक है और मजबूर होकर उसे पेन किलर इत्यादि लेना पड़ता है, जिसका साइड इफेक्ट भी होता है। अगर आप साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप घर पे दर्दनाशक लाल तेल बना लें और वक्त जरूरत पे इस्तेमाल करें। वैसे तो बाजार में बना बनाया भी उपलब्ध है, लेकिन अगर आप आवश्यकता समझते हैं तो इसे घर पर भी आप बना सकते हैं। अभी जो आपको सामग्री लेनी है वो है सरसों का तेल 250 ग्राम, तारपीन का तेल 100 ग्राम, लहसुन की कलियां 50 ग्राम, पुदीना सत्व 10 ग्राम, अजवाइन सत्व 10 ग्राम, रतन जोत 20 ग्राम, देसी कपूर 10 ग्राम। ये सभी जो सामग्री है आपको आयुर्वेदिक दुकान पे आराम से मिल जाएगी या पंसारी से मिल जाएगी आपको। इसकी बनाने की जो विधि है मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम पुदीना सत्व, अजवाइन सत्व व कपूर, इन तीनों को एक साफ कांच की शीशी में डालकर हिलाकर रख दीजिए। 2 से 3 घंटों में तीन वस्तुएं अपने आप लिक्विड रूप में हो जाएगी, द्रव्य रूप में हो जाएगी। इसे अमृत धारा कहते हैं। इसे व तारपीन के तेल को अलग अलग रखते हैं। अब कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म कीजिए, इसमें लहसुन की कलियां बारीक काट कर डाल दें। अब इसे इतना भुने कि कलियां काली पड़ जाए। आंच से नीचे उतार कर इसमें रत्न जोत डाल दें तथा कलछी से मसल दें। ठंडा होने पर इसे मसल कर कपड़े से छान लें। फिर इसमें अमृत धारा और तारपीन का तेल मिला दें। अब ये मालिश के लिए तैयार है। तेल बनाते समय इतना अवश्य ध्यान रखें कि अमृत धारा व तारपीन तेल अंत में तेल छानने के बाद वो ठंडा होने पर मिलाना है, क्योंकि गर्म तेल में मिलाने पर छिड़क कर आपके ऊपर छींटे पड़ सकते हैं। तो धन्यवाद।